तो मैडम चाय कैसा है? भाई बहुत दिनों बाद इतनी अच्छी क्वालिटी का चाय मिला है। हे भगवान, मतलब क्या है बोले, इतनी खुशी। तो भाई साहब चाय पी लिए, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गए हैं। यहाँ पे एक डोल है पुराना, पहले हम लोग सोच रहे हैं वहीं पे जाए और देखते हैं, वहाँ पहुँचते हैं फिर देखते हैं। भाई ये एरिया जो है बहुत ही रिच है, तो हर तरफ मेरे को दूर दूर से दिख रहा है। वहाँ पे भी कुछ है बहुत पुराना मंदिर सा कुछ, ये भी यहाँ पे दौली कहते हैं, देवी दौल, जैसे हमने कुछ देर पहले देखा था देवी दौल है, शिव दौल और विष्णु दौल, वैसे यहाँ पे और भी है। यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टेड मोनूमेंट लिमिटेड ये है, यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर्स में ही कुछ कुछ है प्रोहिबिटेड एरिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पे दूर से मेरे को दोठू दिखा था, यह दोठू दौल, तो वहाँ जाके देखेंगे अभी कि क्या है सरप्राइज। तो यहाँ पहुँचने का रास्ता काफ़ी ठीक है, लेकिन बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ प्रोटेक्टेड मोनूमेंट एरिया है। तो एक लोकल से बात हो रही थी मेरी, वो कह रहा था ये क्योंकि अहोम राजा का कैपिटल था तो उस टाइम बहुत ही डेवलप था, और ये पूरे एरिया में कुछ ना कुछ है ही पुराने टाइम का। तो मे बी रास्ते में मार्क नहीं है, लेकिन घूमते फिरते आपको दिख ही जाएगा। ये यहाँ पे जयमूर्ति पार्क है उद्यान, और सामने दिख रहा है, अभी हम लोग फिलहाल वहीं पर जा रहे हैं। सामने लेक है, देखते हैं वहाँ जाने का परमिशन है कि नहीं। टिकट काउंटर है यहाँ पे, तो ये है ये दोल जो है प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट, यहीं से जाता है, लेकिन ताला लगा हुआ है, खुला है, ओके वहाँ से। चलिए तो फिर हम लोग टिकट लेते हैं और अंदर जाते हैं। ठीक है भाई, हम लोग फाइनली पेमेंट हो गया, पेमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, सर्वर डाउन है, यहाँ पे अभी कैश नहीं लेते हैं, सब स्कैन करके हो रहा है, तो डिजिटाइजेशन, डिजिटल इंडिया। सो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया था भाई, 10-10 रुपये का टिकट इंडियन के लिए, लेकिन दो लोगों के लिए 20-20 का टिकट है, लेकिन 40-40 रुपये दो बार कट गए, मिला भी नहीं एक का। तो ठीक है, थोड़ा सा डिजिटाइजेशन कर रहे हो तो थोड़ा सा उसका प्रॉपरली इंप्लीमेंट भी करो, तो होपफुली हो ही जाएगा, अभी शुरुआत है तो इसलिए शायद प्रॉब्लम हो रहा है। सो एनीवेज, हम लोग अभी आए हुए हैं विष्णु दौल पे, ये विष्णु दौल जॉयसागर है, ये भी पुराना है। हम लोग अभी जो पहले देख के आए थे विष्णु दौल, ये उससे भी पुराना है, ये 1698 का है, वो वाला 1722 या समथिंग था, तो ये और पुराना है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर है, प्रोटेक्टेड है, तो ये सामने है। चलिए अभी चलते हैं, आपको दिखाते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है बहुत ही सिमिलर है उसका ही, और क्योंकि राजा वही है जो बनाया था वो वाला शिव दौल, और जो हम देख के आ रहे थे, तो ये एक ही राजा के एक ही टाइम पीरियड के, आई थिंक 20-30 ईयर्स का डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रिस्टोरेशन वर्क हो रहा है, चारों तरफ बांस लगे हुआ है, बैम्बूज लगे हुए हैं, तो अच्छी बात है, चल रहा है। यहाँ पे गार्डन वार्डन भी ठीक से कर रहे हैं, यहाँ पे खुदाई उदाई जारी है, थोड़ा सा पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं, और देखिए जगह इतना अच्छा है यहाँ पे। ये मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छा लगा, शिव सागर में लेक्स बहुत हैं, तो शिव सागर का मतलब ही है शिव का सागर, मतलब शिव का लेक, और आसपास यहाँ भी लेक है। हम लोग जो वहाँ गए थे उसके अपोजिट में भी आपने देखा था कि लेक है, बहुत बड़ा लेक है, ये लेक उतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी काफ़ी है, काफ़ी बड़ा है। और यहाँ पे भी वैसा ही है, बैठने की जगह दी हुई है और आर्किटेक्चर वैसा है। चलिए चलते हैं, वो वाला उधर जो हम लोग देख के आए थे सिर्फ दोल, वो थोड़ा सा और पॉलिश था, यहाँ पर देख सकते हैं उतना रिनोवेशन नहीं है, ये अभी भी पुराना वही है जो पुराना कंस्ट्रक्शन हुआ था, जैसा आप देख सकते हैं नीचे ईंट जो है ये भी अभी पुराना ही है। उस वाले से तो ये मतलब रेस्टोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ओरिजिनल स्टेट में है उससे भी, और ये उससे पुराना है एक्चुअली, ये नया है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो ये रेटिना वगैरह लगा हुआ है यहाँ पे, ये जो पिलर्स लगे हुए हैं नया है, लेकिन उसके आसपास वाला जो ब्रिक वर्क है ये पुराना है। और ये हो गया आपका मेन घुसने का, और यहाँ पे पूजा होता है कि नहीं मेरे को लग नहीं रहा है, ये आर्कियोलॉजिकल वाला ही है, ये एक्टिव टेम्पल मेरे को लग नहीं रहा। चलिए आइए देखते हैं, क्योंकि यहाँ ओपन योर शूज टाइप का तो कुछ है नहीं, तो ये कुछ नहीं है, ये वहाँ वो एक्टिव श्राइन था, ये एक्टिव श्राइन नहीं है। यहाँ पे लाइट्स लगे हुए हैं और मेरे को दिख रहा है अंदर गर्भगृह है, लेकिन वहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर और उसका लेआउट जो है बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन कोई मूर्ति नहीं है, तो अगर वहाँ से मूर्ति हटा दिया जाए तो वो भी ऐसा ही दिखेगा। एक बल्ब लगा हुआ है, थोड़ा सा भूतिया लगता है तो लाइट ज़्यादा नहीं है, लाइट्स यहाँ पर नहीं है, थोड़ा सा लाइट का इन लोगों को बंदोबस्त करना चाहिए। वहाँ पे एक
और यूजुअली हाँ ये देखिए यहाँ पे कार्विंग्स हैं बने हुए हैं, तो यूजुअली यहाँ पे मूर्ति जो है गृह जो है ये यहाँ पे रहना चाहिए, गर्भगृह है यहाँ पे, तो मूर्ति यहाँ पे जैसे पानी जाने का यहाँ पे नाला एट्सेट्रा सब है, तो मूर्ति स्थापित यहाँ पे होता है, लेकिन ये अभी प्योरली आर्कियोलॉजिकल हो गया, ये एक्टिव जैसे कि मैंने कहा ये एक्टिव वर्शिप का प्लेस अभी नहीं है। तो हम लोग अंदर से बाहर आ गए, लेकिन इसका बाहर का हम लोग देख रहे हैं, मैं कह रहा था आपको ये रिस्टोर्ड नहीं है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म है, जो कार्विंग जो है इसमें ये वहाँ से बहुत ही ज़्यादा अच्छे कंडीशन में है, ये कोई स्टोन रिप्लेस नहीं है, पूरा का पूरा कोई प्लास्टर नहीं है, पूरा का पूरा ओरिजिनल वही है और बहुत ही अच्छे कंडीशन में। कुछ वहाँ पे कार्विंग्स है जिसमें पंख लगे हुए हैं, हाथ में कुछ रखा हुआ है, काफी लगे हैं, ऋषि मुनि योगा करते हुए दिखाया जा रहा है वो कोने में। अरे वाह, कौन सा आसन है ये? ये उतना नहीं आता है मेरे को। तो ये चार हाथ वाला थिंग, ये विष्णु जी है, ये भी कृष्ण है ना बांसुरी बजाते हुए, तो बलराम जी है, वाह। तो मतलब माइथोलॉजिकली पुराण उन सब का जो दृश्य है बने हुए, लेकिन मैं यही मैं सोच रहा हूँ ये सबसे पुराना है, लेकिन इसका जो 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 कार्विंग्स है इसमें सबसे ज़्यादा है। तो शिकार के यहाँ पे बने हुए हैं, डेली लाइफ का है, कुछ डांसिंग वांसिंग नृत्य हो रहा है वो सब का है, तो डेली लाइफ एवरीडे लाइफ जैसे पुराने 300-400 साल पहले जो होता था, कुछ फेस्टिवल कुछ राजा लोगों के वो, उसके अलावा यहाँ पे विष्णु जी के अवतार हैं यहाँ पे, ये कुछ कोई राजा का रिप्रेजेंटेशन है, हाँ ये वनवास पे जा रहे हैं ना राम लक्ष्मण और सीता जी, और काफ़ी अच्छा इसका कंडीशन जो है बहुत ही सही कंडीशन आप देख सकते हैं, जो इनका जो नक्काशी है यहाँ पे कपड़े उपड़े का जो बना हुआ है, जो फूल बने हुए हैं बिल्कुल अभी भी बहुत ही सही, जैसे पेड़ पौधे का वो गए ऊपर का जो वो मुर्गे लग रहा है वो रिपेयर्ड है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही अच्छे कंडीशन में है कंपेरेटिवली दूसरों से, डैमेज तो हुआ है लेकिन होपफुली ये जब देख रहे हैं बांस लगे हुए हैं तो उससे थोड़ा सा क्लीन करके ये लोग थोड़ा सा रिपेयर करने की कोशिश का जा रही है। यहाँ पर कुछ पुराने ज़माने का घर भी बने हुए हैं, तो देखते हैं अंदर जाके कैसा है क्या है, खुला हुआ तो है होपफुली, अच्छा अंदर काम चल रहा है इसका, रिपेयर हो रहा है, तो चलिए आगे चलते हैं देखते हैं। ये बिल्कुल ही प्लेन घर है, कुछ नक्काशी वक्काशी कुछ नहीं, मेरे को लग रहा था वहाँ का उस टाइम का केयरटेकर वेयरटेकर जो रहता है शायद उन लोगों का रहने का कुछ होगा। ये एक चीज़ मेरे को ये दूर से दिख रहा है और मेरे को बड़ा ही ख़राब लग रहा है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने पेड़ पौधे पीपल के पेड़ हो रखे हैं वहाँ, आप देख सकते हैं इतना सुंदर चीज़ है, इतना पुराना चीज़ है, ऑलमोस्ट 400-500 ईयर्स है, ये हेरिटेज है अपना आसाम का, लेकिन इसको थोड़ा सा सही से रखना चाहिए बनता है भाई, तो होपफुली ये अभी जो रिस्टोरेशन वर्क रिपेयर वर्क चल रहा है तो ये लोग इसको थोड़ा सा देखेंगे थोड़ा सा रिस्टोर करेंगे, लेकिन ये देख के बुरा लगता है अगर इतना निग्लेक्टेड अगर स्टेट में है, हम इंडियन लोग ये हम लोगों में प्रॉब्लम है, हम अपने हिस्ट्री को बिल्कुल ही ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट उतना महत्व नहीं मिलता है, इन लोग इतना बजट नहीं है, जैसे कंपेयर टू इजिप्ट हो गया, कंपेयर टू अलग यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, वहाँ पे बहुत ही एक्टिवली उन वो अपने पास्ट को मतलब कोशिश करते हैं कि ढूंढने के लिए पुराने दिनों में क्या हुआ था, लेकिन इंडिया में ये चीज़ बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शायद हम लोग कंटिन्यूस इजिप्ट में जैसे हो गया वो सब डेड सिविलाइजेशन है इसलिए करते हैं, इंडिया में ऐसा है कि हज़ारों हज़ार साल से हम लोगों का सभ्यता चल रहा है चलता आ रहा है, हम एक्चुअली कंटिन्यूस उसी के पार्ट हैं, उसी के वंशज है कह सकते हैं, तो मे बी यहाँ पे अगर कुछ कुछ चीज़ें सेंसिटिव हो जाते हैं, कुछ कुछ चीज़ें कुछ निकल आए तो लोग आपत्ति करते हैं, कॉन्ट्रोवर्सीज हो जाते हैं, मे बी उसके लिए लोग चाहते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि उसको जाना जाए, उसको प्रिजर्व किया जाए और उसको फ्यूचर जनरेशन के लिए रखा जाए, उसको ज्ञान को थोड़ा सा मतलब प्रिजर्व करें कंजर्व करें और प्रोपोगेट करें। कितनी शांति है यहाँ पर,